नेतृत्व के इस जज्बे को सलाम करने के मकसद से एसोचैम इंडिया ने चंडीगढ़ के आईटी पार्क स्थित द ललित में लीडरशिप समिट एंड अवार्ड्स रीडिफाइनिंग लीडरशिप फॉर 21st सेंचुरी का आयोजन किया और सीईओ अध्यक्ष वरिष्ठ मैनेजमेंट लीडर्स उद्यमी व्यापार लाभ निरपेक्ष शिक्षा स्वास्थ्य और सरकार जैसे सभी संगठनात्मक स्तरों और विभिन्न पृष्ठभूमियों की 200 से ज्यादा हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। एसोचैम के इस कार्यक्रम का प्रमुख मकसद उन उद्यमियों वरिष्ठ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स और उभरते लीडर्स को सम्मानित करना था जिन्होंने अपने करियर में न सिर्फ व्यवसायिक श्रेष्ठता हासिल की हो बल्कि साथ ही साथ अन्य व्यवसायियों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधक के गुण आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया हो। वहीं एसोचैम के निदेशक दिलीप शर्मा से हुई बातचीत के दौरान बताया कि मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियानों के साथ भारत का सेवा और उत्पादन क्षेत्र एक लंबी छलांग लगा चुका है। उत्तर भारत के जनांकीय लाभांश के उद्यमी जज्बे के दोहन के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करने की जरूरत है जहां नई पीढ़ी में नेतृत्व की भावना को बढ़ावा मिल सके और वो संपूर्ण मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के तौर पर उभर आएं। हमारे साथ अभी हैं दिलीप जी जो डायरेक्टर हैं एसोचैम के, उनसे पूछते हैं कि ऐसे समिट्स कराने का क्या फ़ायदा होता है जो यंगस्टर्स हैं खास करके उनको। देखिए जो आज का समिट है इसका नाम है लीडरशिप समिट और इसमें साथ में हम कुछ लोगों को उनको अवार्ड दिए हैं। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई इनिशिएटिव्स की बात करें जिसमें मेक इन इंडिया है स्टार्टअप इंडिया है डिजिटल इंडिया है, इसमें हम बाहर से बहुत इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करने के लिए विद इन इंडिया इनकरेज कर रहे हैं। जो लोग जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी तो बाहर से इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट में भी इंडिया में आएंगी, तो हमारी जो सीनियर मैनेजमेंट है उसको हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडिया में हैं उनको इस रीजन में लेके आए हैं और जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी इंडिया में लेके आ रहे हैं ताकि यहाँ के जो सीनियर मैनेजमेंट है उनका उसका एक्सपोजर मिले और कल जब वो अपॉर्चुनिटी आए इन्वेस्टमेंट की वजह से तो दे शुड बी एबल टू अवेल दोज अपॉर्चुनिटी के मैनेजमेंट लेवल पे कोई गैप नहीं रहना चाहिए और ना ही स्किल लेवल पे। तो हम दो लेवल्स पे काम कर रहे हैं कि एक तो स्किल लेवल पे कि स्किल में गैप नहीं होना चाहिए, सेकेंडली मैनेजमेंट लेवल पे भी गैप नहीं होना चाहिए। ये इस समिट करने का मेन पर्पस है। देखो इसमें हमने भी जो हमारी नॉलेज पार्टनर है वो EY नॉलेज पार्टनर एजेंसी है, इवेल्युएशन और ये सारा जो आउटसोर्स EY को है दे उन्होंने अपना सारा क्राइटेरिया ले करा, क्राइटेरिया के हिसाब से फॉर्म डिज़ाइन हुआ, फॉर्म से एप्लीकेशन आई, इवेल्युएशन आई और उसमें से इवेल्युएशन में के बाद जो बेस्ट फिटमेंट लगा, एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा आई, हर एक को अवार्ड देना भी पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने सारा ये जो था SHM ने EY के साथ मिलके इस काम को किया है और इसमें पूरा एक कमेटी थी जिस कमेटी ने पूरा काम करा इवेल्युएशन करके पूरे इंडिया से जो एप्लीकेशन आई हैं उनको अवार्ड मिले। अगर आपने देखा भी होगा इसमें सिर्फ जो अवार्डीज इस रीजन से नहीं हैं, पीपल मुंबई से आए हैं, चेन्नई हैदराबाद से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, कोई हिमाचल से है, कोई पंजाब से है, तो कोई हरियाणा से है, तो ये पूरे इंडिया की रिप्रेजेंटेशन है। इसमें सब एज ग्रुप हैं, इसमें यंग भी हैं और लिटिल मोर एक्सपीरियंस भी हैं। वो मोस्ट प्रॉब्ली 4 नवंबर को हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका फोकस ही यही है कि हाउ टू कन्वर्ट द इंडिविजुअल बेस्ड डिसीजन मेकिंग टू मोर ऑफ अ प्रोसेस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। अभी डायरेक्टर साहब ने बताया कि SHM 1-4 तारीख को बहुत बड़ा फंक्शन करने जा रहा है जिसमें फैमिली बिजनेस जो चल रहा है उसको कॉरपोरेट या प्रोफेशनल तरीके से कैसा चलाया जाए, क्योंकि मेक इन इंडिया स्किल इंडिया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कार्यक्रम आ रहे हैं और बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है और कॉम्पिटिशन कट थ्रोट बढ़ने जा रहा है, तो उसके लिए SHM सारी ये जो प्रोग्राम्स है ये सारे फंक्शंस है उसी के लिए कर रहा है ताकि इंडियन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ग्रूम हो सके और आगे बढ़ सके। रवनीक मुंगिया नेशनल बस के लिए चंडीगढ़ से।